ये क्या है? आप वो था एक काबिल प्रोड्यूसर वीर चुदास्मा। ओए बोस डीके, सीधा बैठ, शुरू कर रहे हैं। अब चुप क्यों है? एक्सप्लेन कर, अब क्या हुआ? मुंह में दही जम गया तेरे क्या? एक्सप्लेन 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 हो। अब क्या हो गया है? कल तो शो के दौरान हाथ मुंह दोनों चल रहे थे, अब क्यों बोलती बंदे? एक्सप्लेन करो ना। चल जा सर, बाद में आ जाओ। सर मैं क्या कर लो सर? निशा, यू वुड एग्री दैट मिशन यूरेनस इज नो लेस देन एरिया 69? I'm sure he wanted to say 51. I'm sure I did. चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता वीर चुदास्मा के पास। आज TMI News बेनकाब करेगा ऑटो के भाड़े में मार्स पे भेजने वाली एजेंसी को। इसरो का होगा भांडाफोड़। वीर, you are going live in 3. वीरे, आपके पास क्या खबर है? क्या वीरे वीरे बोल रही है? हैं, तमीज नहीं है? मेंटर हूं तुम्हारा। मैं वीर चुदास्मा इस वक्त खड़ा हूं इस रो में क्योंकि उस रो में कोई चूहा मर गया है, शायद बहुत गंदी बदबू आ रही है। TMI News के पड़ताल में हमें हमारे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एक उधारवादी राइट विंग सरकार की एजेंसी ने मंगल के बाद अपना अगला मिशन चुना तो वो हिंदू धर्म के अगले दो ग्रह बृहस्पति और शनि को बायपास करके सीधे यूरेनस पहुंच गए। हमारे सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि इस निर्णय के पीछे सरकार में किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है और हमारी जानकारी तो ये भी कहती है। वीरे, लेकिन यूरेनस ही क्यों? चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल के कूल लिंगों में ये एक अश्लील प्लैनेट है। वीरे वीरे क्या है? इसका नाम वीर है ना? What is this? Is this some bloody Punjabi family show going on? जी 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 हाँ तो जी, मैं, हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ, स्टूडियो से आपको सुन पा रहा हूँ जी। ये यूरेनस के बारे में जरा तफसील से बताएंगे। तेरी गांड। जी जी वो यूरेनस हमारे सूर्य मंडल का सातवां ग्रह है, सूरज का सातवां घोड़ा। बताते हैं इस ग्रह पर सिर्फ बर्फ है, बादल है। बेसिकली शूटिंग के लिए ये एक बेहतरीन लोकेशन है। Now I'd like to stop Veera right there and I would like to talk to my viewers. Taxpayer के पैसे को इस तरह बर्बाद करने का हक सरकार को किसने दिया? क्या ये हक मैंने दिया? नहीं। क्या ये हक निशा जी आपने दिया? नहीं। तो Veera, if I'm not wrong, Veera? Did he say Veera as in sperm? अब ये साले adult news भी पढ़ेंगे, bro. I'm shit scared what they might come up with next. Veera, मेरे Veera, पूरी ते खीरिया। अब ये तो कोई छोटी प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाला अनपेड इंटर्न भी बता सकता है कि पास वाला लोकेशन ही सबसे सस्ता होता है। इमेजिन व्हाट ऑल वी कुड हैव डन विद मार्स एंड सैटर्न एंड इट्स अ शेम, इट इज अ डैम शेम दैट वी हैव मिस्ड आउट ऑन देम। व्हाई इज आवर गवर्नमेंट नॉट गोइंग ऑन सैटर्न? इज इट बिकॉज़ आवर प्राइम मिनिस्टर इज अनमैरिड एंड सैटर्न हैज अ रिंग ऑन इट? क्या जवाब देंगे हम सैटर्न और जुपिटर को? आई वॉन्ट टू गो टू सैटर्न एंड जुपिटर, व्हाई एम आई नॉट गोइंग देयर? Why is our country not going to Saturn and Jupiter? Why this discrimination? Why this collaborativity? Veera! So panelists have arrived. Okay, get her in, get her in. Graphics shuru karo screen pe. Nisha, you're off for a minute and then we resume. Okay? Aur Veer, tu narration chalu rakh. आप खुद बताइए, वो टेलीप्रॉम्प्टर पे ऐसा उल्टा सीधा लिखा हुआ आ जाएगा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नरमी की बात रातों का खाना खेलता। उधर देख के मत बोल, इधर बोल। हाँ सर, व्हाई वुड आई से दैट सर? आई डोंट इवन लाइक कुमार सानू सर, व्हाई वुड आई से दैट? राइटर ने? हाँ यार सर, इतना इंपॉर्टेंट डिबेट था, अब मैं तो गुड़पाल जी की इंस्ट्रक्शन पे ही चल रहा था ना, अब टेलीप्रॉम्प्टर पे ये आ जाएगा मुझे थोड़ी पता था। हु इज द पैनलिस्ट? विनीता राय। विनीता? विनीता राय सर, आप चूतिया मत बनाओ, आप दोनों के और विनीता जी के किस्से तो सबको पता है।
Hello, guys. Arun, I can't do this. I can't deal with this. Why should I have to deal with this? Why should you have to deal with this? Why should anyone have to deal with this? I don't have to put up with this. No, it's not okay. I'll have to settle scores with this bastard first. ये जब से तुमने इसको फादर बोला ना, पूरी दुनिया को बेटी चोद बना देगा ये मोटा. No, ये क्या टेलीकॉन्टर पर कुछ भी लिख देगा, हम बोलते रहेंगे क्या? उसको साले है कहाँ वो, उसको पकड़ के लाता हूँ मैं उसकी ना इसी पेन से ना उसकी चर्बी निकाल के ना लेदर जैकेट बना के पहनूंगा मैं. कहाँ है कहाँ वो? ओए लापारी, बाहर निकल. क्या क्या लिखा इधर? इधर आ तू, राइटर बनता तो इधर आ. ओए ओए लापारी, ओए शट अप. मेरी परमिशन के बिना टेलीप्रॉम्प्टर को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, समझे? सर मैं भगवान की कसम, अब भगवान छोड़िए सर, मैं निशा जी की कसम खाता हूँ. इनकी कसम खाना? अबे मेरी कसम क्यों खाए? सर आपकी तो उम्र हो चुकी है, कभी भी चले जाओगे, उसकी तरह क्या उम्र अभी? लेकिन मेरी क्यों कसम खाएगा? अरे किसी की भी कसम हो यार, मैं कसम खा के कहता हूँ सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. ये सब काम ना वो समीर अलाबादी का, उसका काम है, वही है, वही देखो देखो. तुम सब के सब निकम्मे हो. वो है सर, कल से तो इम्पोर्टेंसी का शो करेगा. चल चल के तैयारी कर. आई एम सॉरी मैम, विल रिज्यूम. एक्चुअली मैम मुझे भी इतने हंगामे की आदत नहीं. नो वरीज, मुझे आदत है, आफ्टर ऑल मैरिड टू अ पॉलिटिशियन. मैम मैम, हु इज द प्रोड्यूसर? वेल कम. मुझे पता था तुम दोनों ही होगे. डिक्की तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रख रहा है ना? कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमें ये कवरेज यहीं समाप्त करनी होगी. आइए आपको ले चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर. 10 सेकंड में 100 खबरें. ओवर टू श्वेता. बोला ना तैयारी कर, बोला ना उन्होंने, जा. चुप काहे को रहे हो, ये तो बाहर निकलने का टाइम आया है. अरे हाँ हाँ, निकलने का ही टाइम आ गया. वो लोग मुझे निकालने की बातें कर रहे हैं. अरे नहीं लेखक बाबू नहीं. हा? अंदर तो निशा जी आपकी भर भर के तारीफें कर रही हैं. हाँ, ये भी कह रही थी कि अब तो प्राइम टाइम भी मिल गया है, और उसके लिए मुझे बस एक ही राइटर चाहिए. एक ही. चल झूठे. सच्ची बता. इतना ही नहीं, मीटिंग के बाद आपको छत पर भी बुलाया है निशा मैडम ने. निशा कुछ तो सीरियस ले लो आज के यंगस्टर्स. Okay. सारा मैं टीआरपी का बोझ अपने कंधों पे लेके चलता हूँ इस चैनल का. मैं ना हूं तो पता नहीं क्या हो यार. जाओ, हमेशा बालों में फोकस रहता तुम्हारा. सर एक बात मत भूलिए, अगर मैं इम्पोटेंसी का शो करूंगा ना तो सब लोग क्लिनिक में कॉरेस्पॉन्डेंट बन के आप ही जाएंगे. जाना वहाँ पर. चल चल, तू भी चल, तू भी चल. हाँ चल चल चल, तू चल. आप बड़े हो सर, आपका कहना तो हमेशा. एक्चुअली मुझसे 30 साल बड़े हैं तो मैं कैसे टाल सकता हूँ. निशा जी से मुझे बात करनी है, आप बैठिए. तू चल. ठीक है. क्या हुआ? मैं जाऊं. ट्यूशन का रेट कितना है? लोग एक जगह पे टिकते ही नहीं है. बस एक मैं हूं जो 20 साल से प्रोड्यूसर हूं. पता है क्यों? बिकॉज आई नेवर इंडल्ज इन एनी फाउल प्ले. और निशा जी, मैंने सबको टैलेंट के हिसाब से मौका दिया है. अब जैसे आपको टैलेंट के हिसाब से मौका दिया, अब आप प्राइम शो करेंगी, आप फेमस होंगी, आपका नाम होगा, बड़े बड़े बॉयफ्रेंड होंगे. नहीं, मेरा मतलब वो बड़े नहीं, उमर अब्दुल्ला जैसे. और इसके साथ साथ आप सीरिया, लद्दाख, कारगिल वार को कवर करने जाएंगे. ये सब पता क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपके टैलेंट को पहचाना है, मैंने आपको मौका दिया है, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है. आप एक बात बताइए,
आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ सर? हाँ मैं पढ़ दूँ What? What did you say? क्या बोला आपने? मैं बोल रहा था आप जॉब करेंगी, दिल लगा के करेंगी, डेडिकेशन के साथ करेंगी, टेबल के ऊपर करेंगी, टेबल के नीचे करेंगी। Right sir, thank you. भैया हाँ जी, ये फोटो कॉपी करवाना था। कौन है यार आप? मैं नया एम्प्लॉई हूँ यहाँ का, आज से मेरी ज्वाइनिंग है। अच्छा, हम सिद्धार्थ। मैं कुछ काम कर रहा हूँ यार, दो मिनट पकड़े यार। ओके, बाय द वे इस ऑफिस का सीन क्या है? सीन क्या मतलब? मैं क्या मतलब, रिकैप लेके घूम रहा हूँ क्या माथे पे? भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, चार एपिसोड नहीं देखे तुमने पुराने? अरे तो उनको तो आए हुए कितना टाइम हो गया है, एंड अब तो कमेंट्स भी हैवी आने लग गए हैं उनमें। तू बताएगा कमेंट्स कैसे आ रहे हैं? I heard someone saying comments. Hi ma'am. Good morning. नहीं नहीं, no comments. Actually मुझे पूछना था कि मेरा चार महीने पहले इंटरव्यू हो चुका था एंड ज्वाइनिंग मेरी आज से है। So I mean, why is that? पांच तो संभाले जा नहीं रहे थे, तुमको कहाँ से और लाती? ओके, बाय द वे ये गुरपाल एंड विजयन जी का क्या हुआ? वही जो हर आशिक का होता है, और हो क्या सकता था उनका? एक लड़की थी जामिया। I am serious. दो लड़कों पर वो मरती थी। वीकेंड पे 9 से 10 बॉलीवुड बीट कवर किया, नजरें झुका के शर्मा के पूरे ऑफिस से गुजरा करती, चोरी चोरी चुपके चुपके बॉस से मिला करती थी, जाने क्या क्या बीप बीप किया करती थी। कसमें वादे सिड्यूस किया करती थी, अक्सर कहती थी मुझसे ये कैसे बनते हैं? और मैं सिर्फ यही कह पाता था, ऑनेस्टी डेडिकेशन हार्ड वर्क। By the way, ma'am, I'm very excited to ask you this. I mean, Nisha ne aapse kya bola tha? Nisha ne? To know that, you'll have to watch the finale, which is coming very soon. And this time, soon means soon. ये आप हमेशा बोलते हो, हमेशा हर बार के बहुत जल्दी आने वाला है, and हम निकालेंगे, इतना महीना हो जाते, 4 महीने हो गए यार। नहीं, I swear, इस बार हम टाइम पे रिलीज कर रहे हैं, and it's going to be amazing, amazing show. Are you sure time पे रिलीज करने की? Even I'm waiting, even these guys are waiting. हर कोई वेट कर रहा है वो place. Yes, and what are you doing on yourself? Tinder, it's fun actually. This girl is amazing. Tinder तो हम ला ही रहे हैं, उससे पहले workplace complete कर लें. Oh yes. So guys, if you liked Workplace and if you like us, then do like, share and subscribe to Vipra Dialogs. Yeah. और इस बार तो हम time पे ला के रहेंगे. पक्का आ जाएगा ना time पे? क्योंकि I mean. Listen, don't you say a word about Workplace. But minutes. I've had enough. एक सेकंड, सुपर मैच।